तो फ्रेंड्स, आज एक और रिएक्शन को हम यहाँ परफॉर्म करके देखने वाले हैं। और इस रिएक्शन का जो यूज़ होता है फ्रेंड्स, वो जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन वी हैव टू अप्लाई फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें से एक इस एसिटिक एसिड को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको एसिटिक एसिड को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एसिटिक एसिड ग्लेशियल, ये CH3COOH इसका ग्रुप होता है, इसका नाम होता है CH3COOH। मतलब कि फॉर्मूला जो होता है एसिटिक एसिड का, वो मैंने आपको बताया। सेकेंडली सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम NaHCO3 कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता होगा कि ये एज ए यहाँ बेस के तौर पे यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, और साथ के साथ एसिटिक एसिड जो होता है फ्रेंड्स, ये एक एसिडिक नेचर का होता है। तो इनके बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो उस स्कीम को मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस टेस्ट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOOH, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान COOOH। इसको हम इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। और एक्सपेरिमेंट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिर से बता रहा हूँ, 1-2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि एसिटिक एसिड लेना है आप इस रिएक्शन में। और आपको सिंपल, बहुत मुश्किल ये स्टेप नहीं है, सिंपल हमें एक पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को ऐड करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन में फ्रेंड्स, ब्रिस्क एफर्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रिस्क एफर्वेंस, कलरलेस ऑडरलेस गैस जो है इवोल्व होती है। तो इस गैस का नाम होगा CO2 गैस। सोडियम बाइकार्बोनेट में से जो गैस होगी, जैसे कि इसमें कार्बोनेट में CO2 गैस होती है, तो वो गैस वहाँ इवोल्व होगी और ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। और इन्फ्रेंस, मतलब कि हम इससे क्या पता चला हमें फाइनली किस लिए ये रिएक्शन लगवाई, दैट मीन्स अगर ऐसी कलरलेस ऑडरलेस और ब्रिस्क एफर्वेंस गैस निकलती है, दैट इंडिकेट दैट इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी हैव फंक्शनल ग्रुप, दैट इज COOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो चलिए फ्रेंड्स, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर मैंने इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखा हुआ है, एडजस्ट किया है। तो मैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब में हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो चलिए ये भी काम कर लेते हैं। तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो मैं कुछ ड्रॉपलेट जो है कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं डालेंगे, 4-5 ml आई थिंक सफिशेंट रहेगा। ये देख सकते हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, 1-to-1 स्टेप मैं इसको परफॉर्म करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये देखिएगा। और इसमें हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेस डालना है बस। ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रेंड्स, NaHCO3। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एक बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और ये अक्सर फूड्स में, फूडिंग मटेरियल में, फूडिंग स्टफ में यूज़ होता है। वाइट कलर का सॉल्ट होता है, ये देखिएगा, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके सामने है, इस स्पैचुला में मैंने रखा हुआ है। ये देखिएगा, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, ये आप ऑब्जर्व करें, जूम किया है मैंने। और सोडियम बाइकार्बोनेट को अब हमने ऐड करना है एसिटिक एसिड में। तो ये ए पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज बीइंग एडेड इनटू दिस टेस्ट ट्यूब, आप ऑब्जर्व करें, CO2 गैस यहाँ से निकल रही है। और यहाँ इसकी गैस की आप वॉल्यूम आवाज सुन सकते हैं, ये देखिएगा, इसको हम ब्रिस्क एफर्वेंस बोलते हैं, ये देखिएगा। ये है फ्रेंड्स, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। ये आवाज आप सुन सकते हैं CO2 गैस की,
इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स एट द एंड कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पे ये प्रेजेंट था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको और बनता क्या है, ये एक टेंथ में भी एक रिएक्शन होती है, टेंथ स्टैंडर्ड में CBSE में अगर आप कोई है तो उसमें एस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको हम एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। तो उसमें भी हम एसिड और बेस को हम ऐड करते हुए एस्टर बनाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको अच्छा लगा ये रिएक्शन। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।